लगा दे तुम गाइस ITL पर वीडियो में सैमसंग का F62 इसके अंदर अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है कैसे लैंग्वेज को प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं अगर गलती से चेंज हो गई है। ये देखें, ये सेम मॉडल होगा आपका F62, ठीक है। तो गलती से हो जाता है कभी कभी जो है लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है उससे कि बच्चों ने कर दी या आपसे गलती से हो गई पता नहीं चला। तो सेम तरीके से स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी जो है लैंग्वेज ये प्रॉपर ठीक हो जाएगी। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ ITL पर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे लैंग्वेज को सेटअप कर सकते हैं। आपको जो है अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है। ये देखिए फ़ोन का सेटिंग, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्लाइड करके आएंगे, जो ऊपर एरो का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से भी हम सेटिंग में जा सकते हैं। तो ये सेटिंग में आ गए हम, तो आप थोड़ा सा डाउन करते हैं इसको, डाउन में जाएंगे, ये 3 लाइन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा बॉक्स के अंदर आपको, 3 लाइन वाला, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो नीचे से काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 पे जो ऑप्शन आ रहा है आपको उस पर टच करना है। फिर जो आपका फर्स्ट पे ऑप्शन आ रहा है, ये देखें, ये फर्स्ट पे जो ऑप्शन आएगा आपको उस पर टच करना है। टच करने के बाद नीचे ये देखें प्लस का ऑप्शन होगा, जो भी ऑप्शन होता है आपका लास्ट वाला आपको उस पर टच करना है। और यहाँ से जो है आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें जो आपको लैंग्वेज करनी है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ सेट डिफ़ॉल्ट, फिर जो लैंग्वेज आपकी फर्स्ट पे रहेगी वही लैंग्वेज आपकी सेट रहेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है उस पर टच करेंगे और ये और नीचे नीचे देखें जिसको हमें निकालना, हमें उसे सेलेक्ट करना है। तो नीचे ये वाला ऑप्शन आएगा और जो राइट पे ऑप्शन आएगा आपका उसको प्रेस कर देना, तो ऑप्शन रिमूव हो जाएगी, जो फर्स्ट पे आएगा वही लैंग्वेज आपकी सेट हो जाएगी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ITL पर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।